नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। आज समय के अभाव में मैं सबके नाम नहीं बोल पा रहा हूं। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, हमारे सांसद महोदय, और आज इतना लेट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ा लेट हो गया हूं। 6:35 को वापिस उठना पड़ेगा, तो लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। वैसे भी उज्जैन वालों को लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुजरात में कैसे हैं, जिनमें समझ होती है इसको इशारा ही काफी होता है। पिछले 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश मतदान कर इस देश का भविष्य का प्रधानमंत्री तय करने वाला, मध्य प्रदेश में भी देश के प्रधानमंत्री को अपने सांसद को तय करने के लिए वोट करना है। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं, ये 297वीं लोकसभा सीट है, 297। 16 जनवरी से लेकर आज तक मैं 297वीं सीट पर घूमता आज उठे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह घूमकर आया हूं। सब जगह अलग अलग प्रदेश होते हैं, खान पान अलग, वेशभूषा अलग, भाषा अलग, लिपि अलग, बोली अलग, मगर नारा एक ही रहता है, मोदी 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 मोदी। अरे मोदी मोदी का तो नारा है, ये कोई महज एक चुनावी नारा नहीं है, किसी नेता की हौसला अफजाई के लिए लगाया हुआ नारा नहीं है। ये मोदी मोदी का नारा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंतर का आशीर्वाद है भाई नरेंद्र मोदी। ये नारा बताता है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी 23 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री। और ये नारा ऐसे ही नहीं निकला है मित्रों, एक और राहुल बाबा है। थोड़ा गर्मी का पारा ऊपर चढ़ा नहीं कि राहुल बाबा छुट्टी पे गए नहीं, और छुट्टी पे भी विदेश पे चले जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कहां गए। उनकी माँ भी ढूंढती रह जाती है, बिटवा कहाँ गया मालूम नहीं पड़ता, भैया मालूम नहीं पड़ता। और दूसरी ओर मोदी जी 20 साल से एक दिन की छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला आदमी, देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के सम्मान के लिए बात करने, काम करने वाला आदमी 24 घंटे में से 18 घंटे। तो ढेर सारी चीजें हैं। शिवराज सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से एक कमजोर और पिछड़े हुए प्रांत से विकसित राज्य बनाया, कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें। नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या क्या किया, इसकी भी ढेर सारी चीजें। सिर्फ उज्जैन के अंदर 30,000 आवास, 65,000 घरों में बिजली, 30,000 घरों में शौचालय, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, ढेर सारे काम किए, मगर वो भी बताने का मेरे पास समय नहीं। और अभी अभी एक सरकार बनी है,
कांग्रेस की सरकार बनी है, कमलनाथ की सरकार बनी है। कहते हैं ना, भूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। इस 4 महीने के अंदर ही 281 करोड़ रुपया इकट्ठा करके दिल्ली भेज दिया, विदेश भेज दिया। 4 महीने में 60 महीने रहने, हिसाब लगाना जरा, क्या करेंगे? ऋण माफ करना था, नहीं हुआ। ढेर सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था, नहीं दे पाए। बिजली का बिल हाफ करेंगे कहा था, बिल तो जो का त्यो रहा, बिजली हाफ कर दी इन्होंने, बिल हाफ नहीं कर पाए। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं किसान सम्मान निधि का, उसकी सूची भेजने की भी तस्ती नहीं है। कर्ज माफी में बिल्कुल वादा खिलाफी की। आयुष्मान भारत योजना शिथिल कर दी, और कानून और व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को हम गुजरात में कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून और व्यवस्था। इन्होंने कर दिया लॉ और ऑर्डर करो, पैसा खाकर ऑर्डर करने की ट्रांसफर इंडस्ट्री इन्होंने लगा दी है। मित्रों, मैं कमलनाथ की सरकार के लिए लंबी बात करना नहीं चाहता। कमलनाथ सरकार के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं। ये कमलनाथ सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वो मध्य प्रदेश के भले के लिए बनी हुई सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक एटीएम खोला है मध्य प्रदेश से, जिससे हर रोज कैश निकाल निकाल कर दिल्ली के खजाने में ले जा रहे हैं। एक कांग्रेस के करप्शन का एटीएम है एटीएम। और मित्रों, मैं इस सब चीजों की बात नहीं करना चाहता। मैंने एक सरसरी रेफरेंस देकर आगे बढ़ना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए 5 सालों के अंदर 5,35,000 करोड़ भेजा है, ढेर सारे काम किए हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, अनिल फिरोजिया को कोई ये सब कामों के लिए वोट न देना। घर बनाया, शौचालय बनाया, बिजली बनाई, लाइट दे दी, सब कामों के लिए वोट मत देना भैया। मैं बताता हूं आपको वोट देना, उनको एक ही कारण से वोट देना है, प्रचंड मार्जिन से जिताना है कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये यूपीए की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत के अंदर घुसते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पाकिस्तान में ले जाकर उसको अपमानित कर। मोनी बाबा मनमोहन के मुंह से उफ नहीं निकलती। अभी अभी कुछ महीने पहले पुलवामा में हमला किया पाक प्रेरित आतंकवादियों ने, 40 जवान मार दिए गए। देश भर में गुस्सा, रोष, क्रोध, हताशा, निराशा, ये क्या होगा? और पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, पाकिस्तान ने भी सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी। उनको डर था कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम सब भी पसोपस में कि अब क्या होंगे मित्रों। मगर नरेंद्र मोदी भी 56 इंच की छाती वाला मर्द है भैया, 56 इंच की छाती। पाकिस्तान ने सेना बिछा दी, टैंके तोपे बिछा दी, मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, अपने लड़ाकू विमान जवानों की 12वीं 13वीं के दिन अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को उड़ाकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर वापिस आ गए। और मित्रों, जब आए तब देश को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया। पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने जवानों की शहीदगी का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल।
दो देशों की सूची में मोदी जी ने तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम। देश भर के अंदर खुशी की लहर, पटाखे जलने लगे, मिठाइयां बटने लगी, जवानों की शहीद जवानों की तस्वीर पर मालाएं चढ़ने लगी। मगर दो जगह मातम था भैया, एक तो पाकिस्तान में था, उज्जैन वालों वहां तो होना ही चाहिए ना, बताओ भाई जोर से बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और दूसरा मातम था राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय के अंदर, उनके चेहरे का नूर उड़ गया, हंस भी नहीं पाते। मेरे जैसे व्यक्ति को तो समझ में नहीं आया कि मारे पाकिस्तान के आतंकवादी उदास ये हो गए, क्यों भाई चचेरे ममेरे लगते हैं क्या, क्यों उदास हो गए आप मित्र। ये शाम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु कहते हैं इनको, क्यों आपने बम गिराई, उनसे वार्ता करो, वार्ता करो, मुझे बताओ 40 जवानों को मार दे उनके साथ वार्ता करनी चाहिए क्या, जोर से बोलो उज्जैन वालों वार्ता करनी चाहिए क्या। मैं कहने आया हूं राहुल बाबा और श्याम पित्रोड़ा और कमलनाथ एंड कंपनी को, कान खोलकर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, मां भारती की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। मित्रों ये इनके साथ ही कहते हैं कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, बताओ उज्जैन वाले उमर अब्दुल्ला कहते हैं राहुल बाबा के साथी है, कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या, एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या। राहुल बाबा मौन साधे हुए हैं, मैं बता देता हूं राहुल बाबा अभी तो मोदी जी की सरकार है, फिर से आने वाली है, मगर कभी ऐसा हुआ कि भाजपा सत्ता में नहीं होगी तो भी हम जो मंच पर बैठे हैं एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। उज्जैन वाले अनिल फिरोजिया को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम धारा 370 को कश्मीर से हटा कर रहेंगे। मित्रों मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ये राहुल बाबा एंड कंपनी गरीबों का विकास कर सकती है क्या, जोर से बोलो कर सकती है, मध्य प्रदेश का भला कर सकती है, देश को सुरक्षित कर सकती है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, ये सारे काम अगर देश में कोई कर सकता है तो केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मित्रों नरेंद्र मोदी जी बताओ उज्जैन वालों आपका फैसला क्या है, अनिल फिरोजिया को बहुमत से जिताओगे क्या, सुनाई नहीं पड़ता जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ भाई, हेलो, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और मेरे साथ बोलो फिर एक बार भारत माता की